दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अपने आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से कैसे लिंक करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चले जाना है अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप लोग सर्च करेंगे वोटर हेल्पलाइन। देखिए यहाँ पे आ गया है वोटर हेल्पलाइन, और आप लोग इस पर इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल कर लेंगे इसे। हमने पहले इंस्टॉल कर लिया है, तो अभी मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, और इसे हम लोग यहां से ओपन पे क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, जाना है इस वोटर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे और यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने जो ये आ रहा है फॉर्म 6 वाला ऑप्शन, इलेक्ट्रॉल ऑथेंटिकेशन फॉर्म, इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप लोग लेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और अब यहाँ पर आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डाल देना है दोस्तों, और सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। और OTP आने के बाद यहाँ पे आप लोग अपना अपना OTP डाल देंगे, और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। और आइए अब वोटर आईडी कार्ड नंबर पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डाल देंगे। देखिए हमने अपना EPIC नंबर यहाँ पे डाल लिया है, वोटर आईडी कार्ड नंबर जो होता है, और यहाँ से अपना हम राज्य सेलेक्ट कर लेंगे और फेज डिटेल पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से हम लोग प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारे सामने हमारा पूरा डिटेल खुल के आ गया है, आप लोग इसे अच्छे से कंफर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आप लोग नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल फिर से फिल होके ऑटोमेटिक आ गया है। अब बस आप लोग अभी यहाँ पे क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पे अपना अपना आधार नंबर डाल देंगे। हमने अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल लिया है, और ध्यान देंगे दोस्तों यहाँ पर आप लोग टिक नहीं करेंगे, और यहाँ पर बस अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो कि मैंडेटरी भी है, और यहाँ पे आप लोग ईमेल आईडी नहीं भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे बस आप लोग को अपना प्लेस डाल देना है, मतलब जो भी टाउन या सिटी का नाम है वो आप डाल देंगे, और यहाँ पे आप लोग डन पे क्लिक कर देंगे। और एक बार पुनः आप लोग अपना डिटेल वेरीफाई कर लेंगे अच्छे से मिला के, कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। देखिए आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ गया है, जिसमें लिखा हुआ है थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बी सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट, योर रेफरेंस नंबर आईडी इतना इतना आपका रेफरेंस नंबर रहेगा, यही एक आपका रिसीविंग नंबर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लेंगे। एप्लीकेशन नंबर नोट करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चले जाना है अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर सर्च करेंगे NBSP और इस पे एंटर कर देंगे। देखिए आपके सामने एक लिंक आया हुआ है www.nbsp.in, इस पे आप लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करेंगे और नीचे आएंगे, और ध्यान से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, पे आप लोग क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आप लोग वो जो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर निकला हुआ है वो यहाँ पर आप लोग डाल के इसको ट्रैक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे। तो हम लोग पहले इस पर अपना एप्लीकेशन नंबर डाल देते हैं, और ट्रैक स्टेटस पे हम लोग एंटर कर देंगे। देखिए अभी जस्ट हमने अप्लाई किया है, तो अभी एक्सेप्ट नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेगा। आप लोग बस यहाँ से इसे ट्रैक करके देख सकते हैं आपका एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी कुछ अपडेट वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने को लेके। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों, और ऐसे ही यूजफुल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।